और यहाँ पे ये देखें लोग जो है मेरे फैमिली जो है खरीदारी कर रही है, कोई स्लीपर ले रही है जो कि आपको अब ये तो बताएंगे बच्चे ये कि किस तरह पहनना और क्या करना है। अच्छा, रात को यहाँ पे बेतहाशा बारिश हुई है और मौसम बहुत बेहतर है, लेकिन सम टाइम हमें थोड़ा सा हब्स महसूस हुआ है और हम लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई है, मेरी और मेरे बेटे की। कहाँ है शाने? फीफी आइलैंड आए हैं और यहाँ पे बच्चों के हमारी फैमिली के सब बच्चे वगैरह जो है वो एक्टिविटी करेंगे। आप लोग क्या क्या करेंगे आज प्लीज़ बताएं? हम लोग स्विमिंग करेंगे, स्नॉर्कलिंग करेंगे और हम लोग वो रो बोटिंग भी करेंगे। ठीक है, तो हमने इसी हिसाब से कपड़े पहने हैं, स्विमिंग वाले कपड़े अंदर पहने हुए हमने और ऊपर से इस तरह की चीज़ें ले ली। तो अब यहाँ पर हम लोग कब तक हैं? 6 PM। ओके, तो फिर देखते हैं सिमी खान किचन से सिमी खान का बिलाव और हम लोग यहाँ इस वक्त किस कंट्री में? थाईलैंड, फुके। फुके में है और मौसम आज थोड़ा सा गर्म हो गया बिकॉज कल रात को बहुत बारिशें हो गई थी। तो बस ये है, देखते हैं सिमी खान किचन से, ये तो डबल हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम फीफी आइलैंड आए हुए फुकेट के और हमने एक स्पीड बोट लिया और स्विमिंग बहुत की, चूँकि कॉस्ट्यूम में थी मैं मेरी फैमिली, तो वो तो मैं सोशल मीडिया में नहीं डाल सकती थी, ऑब्वियस है ये, लेकिन बे इंतहा मज़ा किया, बहुत मज़ा आया, लम्हों का घंटों का पता नहीं चल रहा है। हमारा ये दो दिन जो है ना, हमने ओवरऑल काफ़ी कोशिश की कि बहुत सारे बीचेस में हम जाएँ, बेसिकली स्विमिंग करें और इन्जॉय करें और जो दूसरी एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करें। मैं अभी कुछ देर यहाँ आकर मैंने कोकोनट, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे मेरे पास खाने का ऑप्शन ही नहीं, थाई फूड मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन यह है कि चलें, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम भी अच्छा हो गया और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो एक वाले में जो है ना फीफी आइलैंड में, वहाँ पे आपको बड़े रेस्टोरेंट, खाना पीना सब मिलेगा। और फिर हम एक घंटा मज़ीद आगे आए और मज़ीद आगे आने के बाद जो है हमने एक बोट हायर की है। इस बोट का नाम क्या है? लॉन्ग बोट। अच्छा, लॉन्ग बोट है। तो जनाब हमने ये एक हायर की इधर और अब हम लॉन्ग बोट में मज़ीद आगे की साइड पे जाके, हमने अपना पर्सनल लिया है और मेरी फैमिली भी साथ है और ये हम लोग जो है मज़ीद इंजॉय कर रहे हैं खुदा की शान और रहमतें। वाह,
चले अपने भैया सही से चले। जी हमने यहाँ पे ना ये देख रहे हैं आपको कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये हम फीफी आइलैंड से घंटा आगे और गए तो यहाँ पे इनके पानी में जो है पत्थर हैं, तो हमने वो वाटर शूज़ ख़रीदे। अगर हमें पता होता हम मार्केट से लेते तो वो ठीक था, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमें एक्सपेंसिव मिले ताकि आपके पाँव या तलवे जो भी कुछ है वो हर्ट ना इन स्टोन से। बहुत हार्ड थे और मैं जो हूँ जनाब गिर भी गई यहाँ पे बोट पे, स्लिप हो गई और बहुत मज़ा किया, लेकिन यार जालिम ज़माने ने मेरा फ़ोन रखवा दिया मेरी फैमिली ने, तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकी। और हमने बहुत ज़्यादा स्विमिंग की, स्विमिंग का मज़ा यहाँ पे बहुत आया, बहुत खूबसूरत जगह, बेहतरीन, बहुत ही आला। अब हम जो हैं किसी और, कहाँ पे आए शाहना? अब माया बे पे हम आए हैं। आज नाश्ते के बाद से हमारा सुबह से ही यही चक्कर चल रहा था, है ना? किस कितने सारे गए हम आइलैंड में आज? कितने सारे में गए आज बताओ? 3-4 आइलैंड में गए। ओके आ जाओ तो तुम्हें सुबह दिखाऊं मैं जरा, चलो। हाँ भाई जबरदस्त गिरना नहीं आराम से। तो अभी हमें एक पता नहीं सुरंग से निकाल रहे हैं और ये चला रहे हैं हमें, और ये सारे पता नहीं आज हम हमारा जो ये चौथा आइलैंड है हमारा, मेरा ख्याल है ऐसे ही है। और अब हम लोग यहाँ आए हैं लंच करने के बाद एक जगह और, हमने बहुत आज का दिन जो था बहुत ही भरपूर रहा हमारा। हमने आज ऐसा चूज़ किया था कि एक ही दिन हम जो है स्विमिंग का रखेंगे, दो दिन का हमारा ये रहा ट्रिप इस बारे में स्विमिंग और बीचेस के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा और अच्छी एक्टिविटी रही और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। अच्छा जब हम चले थे तो जैसे कि मैंने बताया था कि गर्मी थी कल, और अभी हम एक और जगह से होकर एक दिन में दो हमारे थे एक्टिविटी के लिए, तो ये हम यहाँ जब आए ना तो यहाँ पे जो है ठंड है काफ़ी, और इस वक्त शाम के 3:30 बज रहे हैं और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या करना है मज़ीद यहाँ पे। जी हम फिर खाई आइलैंड आए हैं यहाँ पे, और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो लंच के बाद उधर गए फिर इधर आए और लगातार जो है हम घूम फिर रहे हैं। मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत खूबसूरत हो रहा है, और यहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी एक्टिविटी की और अच्छा हमारा रहा यहाँ का सब कुछ। काफ़ी लोग यहाँ के बहुत लवली और बहुत ही जिसको कहते हैं ना काइंड हैं मेरे साथ, और कई दफ़ा मैं पाकिस्तान जिंदाबाद दो दफ़ा मैंने कहने की कोशिश की मैं भी आपको आगे नज़र आए, तो ये लोग मेरे साथ खड़े हो जाते थे तो उनका प्रोनाउंस सही नहीं होता था, फिर मैं रुक जाती थी और मेरे बच्चे जो फिर मुझसे कहीं दूर चले गए और उनके वालिद साहब उनको देखने गए। बच्चों का दिल ही नहीं भर रहा है, तो आए दिखाती हूँ मैं आपको कि आज पाकिस्तान जिंदाबाद किसने बोला है। 1, 2, 1 पाकिस्तान जिंदाबाद।